बाजी को ये होता है शॉपिंग पे जल्दी चलो, सही है। अच्छा बाजी का एक चीज़ है, शॉपिंग पे जल्दी भी लेके जाइए हम लोगों को, और फिर वहाँ से गई बस अब घर भी चलो जल्दी, घर आने की भी होती है बाजी को। मैं जेरे को दिलवा दिया उसका बर्थडे गिफ्ट, ठीक है जी भैया, इट वॉज योर बर्थडे गिफ्ट, सो आज से हमारी छुट्टी। मुझे लग रहा है मैकडोनल्ड वाले भी ना चाय नहीं पाए बना के दे रहे हैं हम लोगों को, इतनी देर से खड़े हुए यार, अभी तक हमारा चाय का ऑर्डर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है सैटरडे, सही है, और मैं और बाजी आज सुबह सुबह निकल गए बाहर, ठीक है। आज मैंने बाजू को पकड़ लिया सुबह सुबह, मैंने कहा बाजी सारे काम छोड़ो मेरे साथ चलो बाहर, सही है। तो अभी जो है बेसिकली हम लोग जा रहे हैं जरा अपनी गाड़ी पे पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए, ठीक है। बेचारी प्यासी हुई हुई है और पेट्रोल के रेट्स भी आप देख रहे हैं भाई कहाँ जा रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, और अभी दे आर प्लानिंग टू मजीद इंक्रीज द प्राइजेस, सही है। सो बस अल्लाह रहम ही करे आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। सो भाई इन अदर न्यूज़, पेट्रोल वगैरह डलवा के दैन मुझे जाना है ज़रा बैंक, कुछ काम है, सही है। सो मैंने बाजी का कहा भाई आप फटाफट चलो, सो ज़रा बाजी से भी हाई शाई कर लेते हैं। जी बाजी क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आज हमने वाकई में जल्दी जल्दी, मैं वैसे बोलती हूँ हर सैटरडे को कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम कर ले, लेकिन आज जो है वो आफिया ने कहा कि आज हम सबसे पहले जो है ना अपना काम कर लेते हैं पहले। मैंने बाजू कहा भाई आज मैं जरा पहले अपना काम कर लूँ, ठीक है, पहले मतलब काम वाला काम पहले कर ले, सही है। बाजी को ये होता है शॉपिंग पे जल्दी चलो, सही है। अच्छा बाजी का एक चीज़ है, शॉपिंग पे जल्दी भी लेके जाइए हम लोगों को, और फिर वहाँ से गई बस अब घर भी चलो जल्दी, घर आने की भी होती है बाजी को, ये है हमारी बाजी का एक है सीन, सही है। सो भाई कराची का क्लाउडी वेदर तो हो चुका है ख़त्म, सही है। सितंबर आ चुका हुआ है और कड़क धूप भी निकल चुकी हुई है, सही है। सो ये पूरा महीना तो भाई आप देखिएगा ऐसा ही मौसम रहेगा कराची में। चले भाई गाइस ब्रांच पहुंच गए, ठीक है, फटाफट जरा बैंक से काम करके आते हैं फिर आपसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई ब्रांच में गई, पता चला ब्रांच ही बंद है, तो आप जरा दूसरे जा किसी और जगह पर चल के देखते हैं कि अगर वहाँ पर कोई बैंक खुला होगा। सैटरडे आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेस बंद होती हैं, सो बाजी के लिए कोई और ब्रांच चेक करते हैं अगर वो ओपन होगी, ठीक है। सो भाई फाइनली काम हमारा हो गया और कुछ ज़्यादा ही वेटिंग करनी पड़ेगी, सही, छोटे से काम के लिए गए थे और इतनी देर लग गई है। एनीवेज ये काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अभी घर जा रहे हैं। देन उसके बाद आज की हमारी क्या एक्टिविटी होती है, आज हम कहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे, कहाँ जाएंगे। सो भाई रेडी हो गए हैं जाने के लिए, सही है, और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वाली शर्ट पहनी है, तो मैंने कहा यार चलो आज ये पहनते। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वेयरिंग दिस शर्ट टुडे, और घर वालों ने भाई मुझे सारी चीज़ें पकड़ा दी और सब चले गए, आई एम द लास्ट वन, सो फटाफट से निकलते हैं इससे पहले के डांट पड़े, सही है। अभी हम लोग आए हुए हैं इधर जरा लंच करने के लिए, आज प्लान हमारा थोड़ा चेंज हो गया और बाजी ने भी कह दिया आज भी KFC निकाली, सो आज हम लोग आए हुए बिरयानी खाने के लिए, सही है। सो फिलहाल अभी बिरयानी का ऑर्डर किया हुआ है, हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठ के आराम से खाएंगे, ठीक है। और आज अम्मी को भी हमने अपने साथ पीछे बैठा लिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैंने कहा पीछे बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं। अम्मी आपको कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? अच्छा लग रहा है, रिलैक्स होके बैठा, रिलैक्स होके बैठा हुआ है ना, और क्या। बाजी की ड्राइविंग तो ऐसी होती है कि बस बंदा डर जाए। आज आप रिलैक्स होंगी? आज तो रहे आगे जो भी हो, मैं आराम से बैठी हूँ। सही है, बस अभी आप पीछे बैठा गए, मैं और आप पीछे बैठे। ड्राइव नहीं है, नहीं ड्राइव तो कुछ बाजी की ड्राइव अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि बाजी की ड्राइव बुरी है, बाजी की ड्राइव अच्छी है, बट बाजी की ड्राइव भाई पठान दमाग वाली चलाती है बाजी, बिल्कुल पठान दमाग चलाती परफेक्ट है माशाल्लाह, बस पे तो कोई डाउट नहीं है। सो भाई गर्मा गर्म बिरयानी आ गई और इतनी गर्म है ना पकड़ी नहीं जा रही है भाई, सो फटाफट से लंच करते हैं। सो भाई लंच वगैरह करके हम लोग आ गए हैं लकी वन एज यूजुअल, सही है। सो बाजी को यहाँ से कुछ खरीदना था इसलिए बाजी हमें यहाँ पर लेके आइए। चले भाई हम लोग ने पहला शॉप अपना लिया जनरेशन पे, सही है, और वहाँ पे हमें जेरे को दिलवा दिया उसका बर्थडे गिफ्ट, ठीक है जी भैया, इट वॉज योर बर्थडे गिफ्ट, सो आज से हमारी छुट्टी, अब हमने आपको दिलवा दिया गिफ्ट, खत्म हुई कहानी, सही है। अब हम लोग जा रहे हैं जरा सेफायर, बाजी को गिफ्ट आ रहे हैं, बाजी को गिफ्ट आ रहे हैं, और बाजी को टेंशन लग गई है कि भाई जी मेरे को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलवा दिया हमने, और बाजी आप आपको क्या लेना है, आपको कुछ सफ़ार से लेना है या दिलवाना है? नहीं मैं देख रही हूँ। अच्छा अभी देख रही हूँ, अभी बाजी सोच रही है, सही है, चले चल के देखते हैं वहाँ पे बाजी क्या देखती है और क्या सोचती है। गाइस आपको पता है कि जब लेडीज शॉपिंग कर रही हूँ और कन्फ्यूजन ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, सही है। सो फिलहाल अभी हम लोग ना सामने निशात और हमारे पीछे है इधर सफ़ायर, ठीक है। तो हम लोग अभी डाउटफुल हो रहे हैं कि कौन सा लें, निशात से लें या सफ़ायर से लें। अभी हम लोग निशात से सफ़ायर गए, सफ़ायर से दोबारा हम लोग निशात जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कंफर्म हो गया
तो यहाँ से लेंगे, वरना फिर दोबारा से वहाँ जाएंगे सैफायर और वहाँ से पिक करेंगे। सही है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने सैफायर से सूट ले लिया। ठीक है भाई, निशात गई और निशात ने लोगों को पसंद नहीं आया, सो हमने जो है वो सैफायर से सूट ले लिया। देन वी आर फाइनली डन विद द शॉपिंग। भाई अम्मी लोग जो हैं वो नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर आई हूँ फूड कोर्ट पर। मुझे जो है ना यहाँ की वो कुल्फी बहुत ज़्यादा पसंद है। सही, उन लोगों का मूड है चाय पीने का, चाय आपकी बहन पीती नहीं है। सो मैंने कहा आप लोग यहाँ पे वेट करें, मेरा 2 मिनट में मैं कुल्फी लेकर आती हूँ और देन बस फिर चलते हैं। सही है। सो भाई ये जो कॉर्नर पे कुल्फ़ी वाला बैठा होता है ना, मुझे इसकी कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, फुल खोए वाली कुल्फ़ी होती है। सो साहब से लेते हैं फटाफट से एक यम्मी कुल्फ़ी। सो भाई ये ले लिए हमने कुल्फ़ी। सही है, अल्लाह अल्लाह करके लकी वहाँ से निकले। फिलहाल गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब जा रहे हैं ज़रा चाय शाय पीने के लिए। भाई सो भाई हमने टी को ऑर्डर कर दिया है और नेक्स्ट नंबर हमारा है। सो फटाफट से यहाँ से चाय करते हैं पिक। बाजी ने कहा है भाई हम लोग ड्राइव थ्रू से लेंगे, बैठ के नहीं पीनी। भाई इतना टाइम अगर हम घर में चाय बनाने में लगाए ना तो एक डायलॉग निकालते सबके मुँह से, भाई चाय बन रही है या पाए बन रहे हैं। मुझे लग रहा है मैकडोनल्ड वाले भी ना चाय नहीं पाए बना के दे रहे हैं हम लोगों को। इतनी देर से खड़े हैं यार, अभी तक हमारा चाय का ऑर्डर नहीं आया। मैं आपने वो अंदर ही डाल दी थी। चले भाई चाय आ गई। सो भाई ट्रैफिक देखे आप लोग कितना ज़्यादा है और इसी ट्रैफिक में से निकल के हम लोग गए थे। तो गाइज वी आर फाइनली बैक होम। सही है। तो भाई असर की नमाज का वक्त हुआ था तो मैंने कहा पहले नमाज अदा कर लेते हैं देन आप उसे कनेक्ट करते हैं। सो भाई थक टूट के हम लोग आ गए घर और आज सोचा था कि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे लकी वन में, लेकिन जब आप लकी वन चले जाते हैं तो फिर आपको पता है कि टाइम तो लग ही जाता है। सही है। सो आज मॉल में काफ़ी ज़्यादा रश भी था और बेसिकली बाजी का एक पर्पज़ था हमें वहाँ ले जाने का जो कि फुलफ़िल नहीं हो सका और फिर वो बाजी का प्लान कैंसिल हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने कर ली। सही है। सो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, उसके बाद बस एक तो रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिला क्योंकि आज सैटरडे है तो आपको पता है कि वो स्टार्टिंग एक तो डेज़ है। सो भाई ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ भी हमारा स्पेंड हो गया। एनीवेज बस ये कि चलें घर आ गए। तो खैर ये था हमारा आज का पूरा दिन। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज। सो मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।